टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 18, दैट इज अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. द वेरी फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. इट इज़ डिफिकल्ट टू डिफाइन अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बिकॉज देयर एग्जिस्ट नो सिस्टम लाइक सिंगल एंट्री सिस्टम. इन फैक्ट इट इज़ अ डिफेक्टिव डबल एंट्री सिस्टम. इट इज़ अ सिस्टम विच इज़ डेवलप्ड बाय सम स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स फॉर देयर कन्वीनियंस एंड मोर प्रैक्टिकल अप्रोच. They do not follow the rules of double entry system effectively and maintain only the bare essential records. सबसे पहले बात आती है कि हम accounting from incomplete record क्यों बनाते हैं. ठीक है, इसको हम single entry भी बोल सकते हैं जो double entry के बिल्कुल opposite होता है. Double entry में हम proper rules को पढ़ते हैं, real account, personal account, nominal account, debit, credit को follow करके अपने accounts prepare करते हैं. बट सिंगल एंट्री इसके बिल्कुल ऑपोजिट है. इसमें हम सभी रूल्स रेगुलेशन का ध्यान नहीं रखते. ये बहुत स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, बहुत स्मॉल ट्रेडर्स के लिए बनाया गया है जिनके पास ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं होती. वो थोड़ी सी ट्रांजेक्शन ही करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो है अपना अकाउंट्स बना के अपने जो भी फ़ायदा नुकसान है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं. द अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और सिंगल एंट्री सिस्टम मे बी डिफाइन एज अ सिस्टम विच इज़ नॉट एग्जैक्टली द डबल एंट्री सिस्टम. In other word, single entry system may consist of double entry in respect of certain transactions such as cash received from debtor, cash paid to debtor, single entry in respect of certain transactions such as cash purchases, cash sales, expenses paid and fixed asset purchased, etc. No entry in respect of certain transactions such as depreciation, bad debt, etc. ये बिल्कुल नहीं है कि इसमें हम डबल एंट्री का कुछ भी ध्यान में नहीं रखते. हम बहुत नॉमिनल सा डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट इसमें फॉलो करते हैं. जैसे हमारे डेटर्स ने हमें कितना कैश दे दिया, या हमने अपने क्रेडिटर को कितना कैश पे कर दिया, कितनी कैश परचेजेस हुई, कितनी कैश सेल्स हुई, कितने खर्चे पे कर दिए, कितनी फिक्स्ड एसेट्स परचेज की, बट कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करते. इससे पहले हमने एक चैप्टर डिस्कस किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, जिसमें हमने सभी एक्सपेंसेस की, इनकम्स की जो एडजस्टमेंट सीखी. बट सिंगल एंट्री सिस्टम में हम सिर्फ कैश के बारे में ज़्यादा ध्यान रखते हैं, पर्सनल अकाउंट के बारे में ज़्यादा ध्यान रखते हैं. कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, बस इसी के बारे में हम ध्यान रखते हैं. कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होती लाइक डेप्रिशिएशन, प्री पेड, बैड डेट्स की. ठीक है. Thus, a business is said to be using single entry system if it is not following the completely principles of double entry system of bookkeeping. तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं जो double entry system के पूरे rules regulation को follow नहीं करते, मतलब वो single entry को use करके जो अपने accounts है वो prepare कर रहे हैं. और single entry system सिर्फ छोटे entrepreneurs के लिए बनाया जाता है जिनकी number of transactions बहुत कम होती है. Fine. In nutshell, single entry method of recording the transaction is an incomplete, inaccurate, unscientific, unsystematic cycle of maintaining the accounts. Single entry system से बने हुए account acceptable ज़्यादा नहीं होते क्योंकि अपने आप में ही incomplete है. जब हमने सारी information record ही नहीं की तो incorrect भी हो जाएगा. Unscientific भी है, मतलब हमने proper rules regulation का ध्यान नहीं रखा. Unsystematic style है कि अपने convince के accordingly हम इसको बना रहे हैं, जो ठीक लगता है हम लिख लेते हैं, जो हम चाहते हैं लिखना वो लिख लेते हैं, जिसको हम skip करना चाहते हैं उसको हम skip कर लेते हैं. ठीक है. सो सिंगल एंट्री सिस्टम ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है. ये सिर्फ इसलिए बनाया गया कि जो बहुत छोटे बिजनेसमैन हैं, बहुत छोटे ट्रेडर्स हैं, वो डबल एंट्री के सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर पाएंगे. ठीक है, उनके ट्रांजेक्शन ही बहुत कम हैं तो थोड़ा बहुत हिसाब किताब तो उनको भी रखना पड़ता है, इसलिए उनके लिए बना है सिंगल एंट्री सिस्टम. नेक्स्ट टॉपिक इज़ फॉर्म्स और मॉडल्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बहुत फ्लेक्सिबल हैं. जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपने बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंगली इसको मेंटेन कर सकते हैं. तो जनरली हमारे पास तीन फॉर्म्स हैं जिसके थ्रू हम अपने अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं. नंबर वन इज़ प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम. अंडर दिस सिस्टम ओनली पर्सनल अकाउंट ऑफ द डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आर मेंटेन्ड. नो रिकॉर्ड्स ऑफ रियल एंड नॉमिनल अकाउंट इज मेंटेन. अगर हम प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ डेटर्स और क्रेडिटर्स के अकाउंट बनाए जाते हैं, मतलब सिर्फ पर्सनल अकाउंट हम बनाते हैं, रियल और नॉमिनल अकाउंट इसमें कोई भी नहीं बनता. देन सेकेंड इज सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम. अंडर दिस सिस्टम पर्सनल अकाउंट्स, कैश बुक और कैश अकाउंट आर मेंटेन्ड. द पोस्टिंग ऑफ द कैश बुक इज मेड ओनली टू द पर्सनल अकाउंट एंड नॉट टू द रियल और नॉमिनल अकाउंट.
सिंपल एंट्री में हम क्या करते हैं, पर्सनल अकाउंट तो बना ही रहे हैं, साथ में हम कैश अकाउंट भी बना लेते हैं, कैश बुक भी बना लेते हैं। और जौन सी कैश वाली ट्रांजेक्शन हमारे डेटर्स और क्रेडिटर्स से रिलेटेड है, पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है, उसमें हम पोस्ट कर देते हैं, बट स्टिल इसमें भी हम रियल और नॉमिनल अकाउंट को फॉलो नहीं करते। थर्ड इज क्वाजी सिंगल एंट्री सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम पर्सनल अकाउंट, कैश बुक एंड सम सब्सिडरी बुक्स आर मेंटेन। सब्सिडरी बुक्स लाइक परचेज बुक, सेल्स बुक, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल। पोस्टिंग टू द पर्सनल अकाउंट इज मेड ओनली फ्रॉम द कैश बुक एंड अदर सब्सिडरी बुक, बट नॉट टू द रियल और नॉमिनल अकाउंट। तो क्वाजी में हम क्या करते हैं, पर्सनल अकाउंट को फॉलो करते हैं, कैश बुक को फॉलो करते हैं, प्लस कुछ सब्सिडरी बुक्स भी बनाते हैं लाइक परचेज, सेल्स, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल। बट इसमें भी सिर्फ हम वही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो कैश बुक से एक्सट्रैक्ट की जा सकती है। इसमें भी हम पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट को फॉलो नहीं करते, ठीक है। सो दीज आर द थ्री डिफरेंट फॉर्म्स, प्योर, सिंपल एंड क्वाजी सिंगल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट इज साइलेंट फीचर्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और फीचर्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। नंबर वन इज मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि सिंगल एंट्री सिस्टम में हम सिर्फ पर्सनल अकाउंट को मेंटेन करते हैं, इसमें हम रियल और नॉमिनल अकाउंट को बिल्कुल अवॉइड करते हैं, इसलिए हम इसको पर्सनल अकाउंट भी बोल सकते हैं। सेकेंड इज मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक। अ कैश बुक इज मेंटेन विच यूजली मिक्सड अप बोथ द पर्सनल ट्रांजेक्शन एंड द बिजनेस ट्रांजेक्शन। हमने कहा कि हम इसमें कैश बुक भी बनाते हैं और कैश बुक के थ्रू जो है हम डेटर्स और क्रेडिटर्स की एंट्री को पास आउट करते हैं और इसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता। थर्ड पॉइंट इज डिपेंडेंस ऑन ओरिजिनल वाउचर्स। जितनी भी ट्रांजेक्शन जो है हम सिंगल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड करते हैं वो सारी ओरिजिनल वाउचर्स के ऊपर बेस्ड होती हैं। मतलब आपने कितने क्रेडिट परचेजेस किए, उससे रिलेटेड आपके पास इनवॉइसेस होंगे जो आपके सप्लायर ने आपको दिए हैं, या आपने साल के दौरान कितनी सेल्स की उसके लिए भी आपके पास इनवॉइस होंगी, ठीक है। सो जितने भी हमारे ओरिजिनल वाउचर्स हैं उसके थ्रू ही हम जो अपनी ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करते हैं। फोर्थ फीचर इज नॉन यूनिफॉर्मिटी। इसका मतलब है कि सिंगल एंट्री सिस्टम में हम डबल एंट्री वाले बहुत कम रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। हम इसमें अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली ट्रांजेक्शन को नोट करते हैं, जैसी इन्फॉर्मेशन हमें मिली जो हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं कंपनी के व्यू पॉइंट से उसको हम रिकॉर्ड कर देते हैं, जिसको हम छोड़ना चाहते हैं उसको हम इग्नोर भी कर देते हैं। तो इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी मतलब सेमनेस नहीं है कि हर बार हम सेम ही प्रोसीजर को यूज़ करके अपने अकाउंट्स बनाएंगे, हम अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंगली इन्फॉर्मेशन को शफल कर सकते हैं। फिफ्थ इज फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें जब हम डबल एंट्री सिस्टम के कोई रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर ही नहीं रहे, हमें कोई नॉलेज ही नहीं है अकाउंट्स की, हम अपने नीड्स के अकॉर्डिंगली बना रहे हैं, तो इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल कि जैसा आपको चाहिए जो आप लिखना चाहते हैं आप लिख लें, जो आप नहीं लिखना चाहते उसको आप इग्नोर कर दें, क्योंकि इसमें कोई स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते। एंड लास्ट पॉइंट इज सूटेबिलिटी। अब सिंगल एंट्री सिस्टम में अगर इतनी कमियाँ हैं तो ये किन के लिए सूटेबल है? जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये बहुत छोटे ट्रेडर्स के लिए है, बहुत छोटे प्रोप्राइटर्स के लिए है, पार्टनरशिप कंसर्न के लिए हैं, जो बहुत लिमिटेड जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो कर रही हैं। जो अकाउंट्स हम सिंगल एंट्री के अंडर बनाते हैं वो कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं होते, क्योंकि वो लीगली व्यू पॉइंट से वैलिड नहीं होते, क्योंकि सभी इन्फॉर्मेशन तो हमने इसमें रिकॉर्ड की ही नहीं है, हमने बस अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली छोटा मोटा रिकॉर्डिंग किया है, ठीक है। ये बहुत छोटे ट्रेडर्स के लिए जो है सूटेबल है। So this was about the features. Next topic is uses of accounting. Number one is simplicity. इसमें ये बहुत सिंपल है मेंटेन करना, क्योंकि इसमें हमें कोई स्पेसिफिक नॉलेज नहीं चाहिए, हमें सिंपल रिकॉर्ड करना होता है कितना पैसा आया, किसने दिया और किसको हमने पेमेंट की। सो इट इज़ वेरी सिंपल टू मेंटेन। सेकेंड इज लिमिटेड नंबर ऑफ अकाउंट्स। इसमें हम डबल एंट्री सिस्टम को नहीं फॉलो करते, हम सभी रूल्स रेगुलेशन को नहीं मानते, हम सिर्फ कैश अकाउंट और पर्सनल अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो इसमें नंबर ऑफ अकाउंट्स बनते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं, बहुत कम होते हैं। सो दैट इज़ वाई इट इज़ सिंपल एंड ईजी टू मेंटेन। इनएक्सपेंसिव। इसमें हमें कोई स्पेशल पर्सन ही चाहिए जिसको पूरी अकाउंटिंग की नॉलेज हो, ठीक है। एक छोटा सा बिजनेस है उसके अकॉर्डिंगली छोटी सी ट्रांजेक्शन, थोड़ी थोड़ी ट्रांजेक्शन हमने नोट करनी है, लिमिटेड ट्रांजेक्शन है, सो खर्चा भी कम आता है और हमें कोई एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए ये हमारे लिए इनएक्सपेंसिव हो जाता है। फोर्थ इज यूटिलिटी ऑफ सर्टेन अकाउंट्स। अगर हम इसको डबल एंट्री के साथ कंपेयर करें तो कई कहते हैं कि डबल एंट्री से ज़्यादा अच्छा अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, क्योंकि इसमें हम तीन अकाउंट्स को प्रेफरेंस देते हैं, कैश अकाउंट, डेटर्स अकाउंट एंड क्रेडिटर अकाउंट, जो एक कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं।
ठीक है, बाकी अकाउंट्स भी होते हैं बट स्टिल दीज थ्री अकाउंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू. इसलिए डबल एंट्री के ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन को फॉलो ना करके भी हम ये तीन अकाउंट्स बना के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. सो दिस इज अनदर यूज ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड. एंड लास्ट इज टैक्स एविएशन. एविएशन होता है चोरी करना, कि कई बार जो ये अकाउंट्स होते हैं ये इसलिए भी बना लेते हैं कि हमारा सही सही इनकम वगैरह का ना पता लगे और जो टैक्स है हम उसमें घपला कर सकें, अपने टैक्स को बचा सकें. लास्ट पॉइंट इज अकाउंटिंग फॉर एन इवेंट. इस केस में जो इवेंट्स होती हैं लाइक कोई सोशल फंक्शन हो गया, एकेडमिक इवेंट हो गया, कोई फेस्टिवल हो गया, उन ओकेजन में हमारे लिए सिंगल एंट्री सिस्टम बेनिफिशियल होता है, क्योंकि एक एक इवेंट का हिसाब किताब रखना इट इज़ वेरी सिंपल अंडर अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. मूविंग टू नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. जहाँ इतने फ़ायदे या इसके फीचर्स हमने पढ़े, इसमें कुछ कमियाँ भी हैं. द वेरी फर्स्ट इज डिफ़िकल्टी इन चेकिंग अरिथमेटिकल एक्यूरेसी. इसमें हम कोई ट्रायल बैलेंस नहीं बनाते, ठीक है, इसमें हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली ट्रांजेक्शन को नोट करते हैं, तो इसमें गलतियाँ लगने के, एरर्स होने के, मिस अप्रोप्रिएशन होने के, फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस से हमें अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का पता लग जाता है. यहाँ जब हमने ट्रायल बैलेंस बनाना ही नहीं है क्योंकि हमने सारी ट्रांजेक्शन को लिखा ही नहीं है, तो गलतियाँ ज़्यादा हो सकती हैं. सेकेंड इज डिफ़िकल्ट टू असर्टेन द ट्रू प्रॉफिट्स. जब हमने सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड ही नहीं की, हमने नॉमिनल अकाउंट को तो बिल्कुल इग्नोर कर दिया, अपने फ़ायदे नुकसान इनकम को तो देखा ही नहीं, तो हम कैसे अपना सही प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल अंडर अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड. थर्ड इज़ डिफ़िकल्ट टू जज द फाइनेंशियल पोजिशन. फाइनेंशियल पोजिशन हमें पता लगती है बैलेंस शीट से. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कंपनी जो है वो बैलेंस शीट मेंटेन ही नहीं करती. बैलेंस शीट की जगह हम दूसरा जो है वो फॉर्मेट फॉलो करते हैं, दूसरे अकाउंट्स बनाते हैं. सो कंपनी को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में नहीं पता लगता, क्योंकि इसमें जो अकाउंट्स बनाने ही नहीं है, स्टेटमेंट बनाने ही नहीं है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेक द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी. फोर्थ पॉइंट ऑफ लिमिटेशन इज डिफ़िकल्टी टू अ सर्टेन ग्रॉस प्रॉफिट. इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में हम सेल्स और परचेज का प्रॉपर रिकॉर्ड जो है वो नहीं मेंटेन करते. ट्रेडिंग अकाउंट इसमें हम नहीं बनाते. जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन ही नहीं करना तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं पता लग सकता. फिफ्थ इज़ लैक ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा. इसमें सभी अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन हम नहीं रिकॉर्ड करते, नॉमिनल अकाउंट को बिल्कुल इग्नोर करते हैं. इसकी वजह से कंपनी को कभी अपने ट्रेंड के बारे में नहीं पता लग सकता कि कितना इंक्रीज़ आ रहा है, कितना डिक्रीज़ आ रहा है, या कंपनी अपने परफॉर्मेंस से, अपने पिछले ईयर से अच्छा परफॉर्म कर रही है कि बुरा परफॉर्म कर रही है, इसके बारे में उसको नहीं पता लग सकता बिकॉज पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती नहीं है. सिक्स्थ इज़ टैक्स असेसमेंट. सेल्स और प्रॉफिट का अगर हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड ही नहीं है तो हम कैसे सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं? इट इज़ नॉट पॉसिबल. वैसे भी सिंगल एंट्री सिस्टम के जो अकाउंट्स होते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं करता बिकॉज ये अपने आप में ही इनकम्प्लीट हैं. सेवन्थ इज़ डिफ़िकल्टी टू रेक्टिफाई एरर्स. यहाँ गलतियाँ, फ्रॉड, मिस अप्रोप्रिएशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं और गलतियों को ढूंढना बहुत मुश्किल है क्योंकि ट्रायल बैलेंस इसमें मेंटेन किया ही नहीं जाता. एट्थ पॉइंट इज़ डिफ़िकल्टी इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग. इसमें कंपनी के पास एक्यूरेट फिगर्स नहीं होती अबाउट द कंपनी परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन. अगर हमारे पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम करेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन को जज भी नहीं कर सकते. कंपनी इस सिचुएशन में ही नहीं होती कि वो सही डिसीजन ले सके और सही जो साउंड प्लान्स है उसको बना सके बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन. एंड नाइन्थ इज़ इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं. नंबर वन, टू ऑब्टेन लोन फ्रॉम बैंक. अगर बैंक से लोन लेना है तो वो आपके अकाउंट्स चेक करेंगे. यहाँ तो अकाउंट्स प्रॉपर है ही नहीं तो लोन लेना भी मुश्किल हो जाता है. इन सेटलिंग फाइनेंशियल डिस्प्यूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ. अगर कोर्ट में कोई डिस्प्यूट चल रहा है और उसको आपने सॉल्व करना है तो वहाँ भी आपको अपने अकाउंट शो करने पड़ते हैं. या हमारे अकाउंट्स ही इनकम्प्लीट है तो हम कोर्ट भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी. इन द डिटर्मिनेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन एंड द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस. अगर बाई चांस आपको फ्यूचर में अपने बिजनेस को बेचना पड़ता है तो कितने पैसे हमें अपने बिजनेस के मिल सकते हैं, हमारी कंपनी की क्या रेपुटेशन है, उसका गुडविल का फ़ायदा हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब कुछ असेस करना बहुत मुश्किल है बिकॉज हमने सारी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं किया. ठीक है, सो इन नर्शल हम बोल सकते हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम बहुत छोटे बिजनेसमैन के लिए होती है, ट्रेडर्स के लिए होती है, जिसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत लिमिटेड होती है.
इसमें कमियां ज़्यादा है, स्टिल कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करना है, इसलिए स्मॉल ट्रेडर्स के लिए बनाया गया है। इनकम टैक्स हो गया, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं होंगे बिकॉज ये अपने आप में ही इनकम्प्लीट हैं। एंड द लास्ट टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अभी तक हमने पढ़ लिया कि जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो इनकम्प्लीट है, अनसाइंटिफिक है, अनसिस्टमैटिक है। इसमें कंपनी को कभी भी अपनी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी के बारे में नहीं पता लगता। इसमें काफ़ी शॉर्टकमिंग है, बट स्टिल जो पर्सन्स हैं जो इसको यूज़ करते हैं वो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली ट्रांजेक्शन को नोट करते हैं, जो उनको अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सही लगता है। बट जैसा भी हो, हर एक कंपनी को अपना प्रॉफिट एंड लॉस तो कैलकुलेट करना ही पड़ता है, चाहे वो जैसे मर्जी अपने अकाउंट्स मेंटेन कर रही हूँ। तो हमारे पास दो मेथड्स हैं। द वेरी फर्स्ट इज़ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड और नेट वर्थ मेथड और कैपिटल कंपैरिजन मेथड, एंड सेकंड इज़ कन्वर्जन मेथड और फाइनल अकाउंट्स मेथड। क्लियर? सो दिस वाज अबाउट द थ्रेटिकल पार्ट ऑफ चैप्टर अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। न्यूमेरिकल्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।